नमस्कार, आज हम चिकन राइस बॉल बनाएंगे। इसको आप दिन में किसी भी टाइम खा सकते हैं। ये बच्चों को भी बहुत पसंद आता है और ये बनाने में भी बहुत ईजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक कप बोनलेस चिकन लेंगे, फिर इसमें स्प्रिंग ओनियन, कुटा हुआ लहसुन, प्याज, चीनी, सौंठ, नमक, विनेगर, सोया सॉस और तिल का तेल डालेंगे। फिर इसको मिक्स कर लेंगे। अब एक गरम पैन में इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। ये बोनलेस चिकन है इसीलिए जल्दी ही पक जाता है। हम इसे ब्राउन होने तक पकाएंगे। फिर इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। इसको आप पहले से भी डाल सकते हैं। फिर हम पका हुआ चावल लेंगे। इसमें रोस्टेड तिल पाउडर, सोया सॉस और तिल का तेल डालेंगे। सोया सॉस में नमक होता है इसीलिए आप अपने हिसाब से नमक डालिए। फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आइए अब राइस बॉल बनाते हैं। हम चावल लेकर ऐसे गोल गोल बनाते हुए बीच में स्टफिंग के लिए जगह बनाएंगे। इसमें कुछ स्टफिंग भरेंगे, फिर इसको बॉल जैसे बना देंगे। अब इसको हल्का दबाते हुए फ्लैट कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा फ्लैट नहीं करेंगे। अब पैन में तेल गरम करके इसको फ्राई करेंगे। इसको हम दोनों तरफ ब्राउन होने तक पका लेंगे। अब हमारा चिकन राइस बॉल तैयार है। आइए अब हम एक फटाफट डिपिंग सॉस बना लेते हैं। तो हम टमाटो सॉस, ग्रीन चिली सॉस, सोया सॉस, चीनी, नमक ये सब डाल के थोड़ा मिला लेंगे। फिर इसमें स्प्रिंग ओनियन और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब इसके ऊपर तेल गर्म करके डाल देंगे। अब हमारा चिकन राइस बॉल और सॉस रेडी हो गया है।